हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्यारी मनवीन कौर और आज हम बनाने जा रहे हैं अनियन उत्तपम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 2 कटोरी सूजी और फिर हम डालेंगे 1 कटोरी दही। अगर आपके पास खट्टा दही है तो बहुत ही मज़ेदार आता है स्वाद इसका, लेकिन अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप नॉर्मल दही से भी काम चला सकते हैं। फिर हमने डाला है 1 कटोरी पानी और उसको ग्रेजुअली हम मिक्स करेंगे और हमें अपने बैटर को जितना पतला बनाना है हम ग्रेजुअली उतना ही पानी डालते रहेंगे, पर एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे। फिर हमने डाला है ग्रीन चिलीज और फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता। दोस्तों, कड़ी पत्ते से स्वाद बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है, मेरा तो कड़ी पत्ता फेवरेट है। फिर हम डालेंगे प्याज। दोस्तों, अनियन उत्तपम है तो अनियन तो होगा ही, लेकिन अगर आपको अनियंस नहीं पसंद है तो आप बिना प्याज के भी काम चला सकते हैं। दोस्तों, मुझे आप इंस्टाग्राम में मैक मंची कॉरिस क्वीन में ज़रूर फॉलो करिएगा, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं अलग अलग तरीके के मिनी ट्यूटोरियल्स देती रहती हूँ अपने मैक मंची कॉरिस क्वीन में। अब हम डालेंगे अपना नमक स्वाद अनुसार और फिर हमने डाला है जीरा। दोस्तों, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बैटर को 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और अब देख सकते हैं हमारा बैटर पहले से कितना ज़्यादा मोटा हो गया है। इसको पतला बनाने के लिए हम फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कंसिस्टेंसी कैसी है, हमें कितना स्मूथ चाहिए। अगर आप इसे और पतला करना चाहें तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। एंड द बैटर इज रेडी। दोस्तों, अगर आपको अपने उत्तपम को मोटा बनाना है तो आप इसको ज़्यादा डाल सकते हैं तवे में। अगर आपको पतला बनाना है तो थोड़े के से बैटर से ही आप उसको अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर सकते हैं। और इसको हम लोग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और अगर ये तब भी नहीं पका तो थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी उत्तपम अपने घर में बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, खुद भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। आप देख सकते हैं जब एक तरफ से ये हमारा पक गया है तो हमने दूसरी तरफ इसे फ्लिप कर दिया है और ब्राउन हो गया है। अगर ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो इसका मतलब है ये ज़्यादा क्रंची है, अगर थोड़ा सा ब्राउन करेंगे मतलब ये अभी भी सॉफ्ट है, लेकिन खाया ये दोनों तरीके से जा सकता है। और सिम में और मीडियम फ्लेम के बीच में ही पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा उत्तपम इज ऑल रेडी। इसे ग्रीन चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व करिए। अभी के लिए इतना ही और अब हम मिलते हैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में। बाय बाय।